नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल एसएससी सीजिल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, आप बोल सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन आया है जिसके मुताबिक एसएससी सीजिल 2016 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, टायर वन का एग्ज़ाम, वो उसकी डेट रिलीज हो गई है और अब ये एग्ज़ाम 27 अगस्त को होगा। आप बोल सकते हैं कि लगभग आपके सामने जुलाई और फिर अगस्त का ये महीना, लगभग पौने दो महीने या दो महीने के आसपास बचे हुए। हम ये जानकारी लेंगे कि एक्चुअल में नोटिफिकेशन में क्या है, नया पैटर्न क्या है और उसके लिए क्या एक्शन प्लान हो सकता है। ये प्रेजेंटेशन, दिस प्रेजेंटेशन इज इन हिंदी मीडियम। दो स्टूडेंट हु वांट टू वॉच प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश मीडियम, देर इज अनदर प्रेजेंटेशन विच इज इन इंग्लिश मीडियम। दो स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड टू वॉच प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश मीडियम, दे कैन रेफर दैट प्रेजेंटेशन, बट दिस प्रेजेंटेशन इज इन हिंदी मीडियम। 27th को ये टेस्ट होगा जो बहुचर्चित टेस्ट है। हम देखने की कोशिश करते हैं कि एसएससी का नोटिफिकेशन पहले है क्या, और लाइन बाय लाइन है मैं पढ़ूंगा और उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कोई नई चीज है। तो आप थोड़ा देखिए इसको, और ये नोटिफिकेशन है वो एसएससी की वेबसाइट पे भी अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आज नोटिफिकेशन आया है 1 जुलाई को और एसएससी की वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखिए क्या है इस नोटिफिकेशन में। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2016 रिवाइज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मैसेज क्या हुआ कि जो पहले पैटर्न था एसएससी का, अब उसमें काफी बदलाव आए। क्या बदलाव है वो देखते हैं। कैंडिडेट मेयर प्लीज रेफर टू द पैरा 9.1, 9.2 रिलेटेड टू द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2016 पब्लिश्ड ऑन 13/2/2016 ऑन द कमीशन वेबसाइट एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार। अब यहां पे एक बात बताई जा रही है कि जो पहले एग्जामिनेशन में नोटिफिकेशन में एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ था, इसका मतलब यह है कि वहां पे एसएससी ने यह बात पहले लिख दी थी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास यह राइट होगा कि वो इस पैटर्न में चेंज कर सकते हैं, और उसी का ही लाइन का था कि कोई कोर्ट में न जाए। उन्होंने सहारा लेते हुए आपको बता रहे हैं कि हमने पहले आपको बताया था, हिंट किया था कि ऐसा भविष्य में चेंज हो सकता है। तो उसमें क्या है, पैरा 9.1 में कमीशन हैड रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेस इन द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सच एज कंडक्ट ऑफ टायर वन एंड टायर टू एग्जामिनेशन इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड रिलेटेड टू टायर वन एग्जामिनेशन एज ओनली क्वालिफाइंग एटसेट्रा। ये कई कंडीशन थी। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, अंडर द प्रोविजन ऑफ द नोटिस एज रेफर्ड अबो, जो इसमें एसएससी ने कंडीशन रखी थी, कमीशन हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम 200 to 100 इन टायर वन ऑफ द अबो एग्जामिनेशन। पहले 200 क्वेश्चन होने थे, लेकिन अब जब नया पैटर्न एसएससी ने निकाला तो उसमें 200 की बजाय 100 क्वेश्चन होंगे। द ड्यूरेशन ऑफ द टायर वन एग्जामिनेशन वुड बी फॉर ए पीरियड ऑफ 75 मिनट, और पहले कितनी थी 2 आवर्स की, तो 120 मिनट में पहले करना था 200 क्वेश्चन। इसका अगर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने की बजाय उन्होंने 60 की बजाय 75 मिनट कर दिया, 15 मिनट उसने बढ़ा दिए। किस वजह से बढ़ाए, बिकॉज इट हैज ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट द टायर वन एंड टायर टू इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड। आप बोल सकते हैं कि अब ये दोनों, टायर वन भी और टायर टू दोनों एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन एग्जाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, जैसे कि बैंकिंग के होते हैं या पिनेकल ऑलरेडी है ये एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। टायर टू की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, टायर वन के टेस्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, ये उसी पैटर्न पे एसएससी भी कर रही है। टायर वन इज शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम ये 27th अगस्त 2016। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे है हेल्ड फ्रॉम, इसका मतलब हो सकता है 27th को ऑल इंडिया पे सारे एग्जाम हो, या हो सकता है एक दो दिन और भी हो, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि फ्रॉम वर्ड ये आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। मुझे लगता है जो इसका इंटरप्रिटेशन ये बोलना चाह रहा था
ये वर्ड शायद वो ऑन यूज करना चाह रहा था कि ये 27th को एग्जाम होगा न कि 27th से। लेकिन ये बात भी है कि इतने लोगों का क्या एक साथ एक ही दिन में कंप्यूटर का एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो सकता है, बहुत मुश्किल काम होगा। तो हो सकता है ये एक फेज में चले, 7-8 दिन के फेज में एग्जाम चले। लेकिन शायद इससे आपको स्टूडेंट को यह एडवांटेज होगा कि अब मेट्रो या बड़े शहरों की तरह भागने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बैंकिंग के एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं कंप्यूटर बेस्ड रिलेटेड है, वो छोटे शहरों में भी होते हैं, जैसे कि कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां पे आमतौर पे सेंटर होते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि SSC भी उसी जगह पे सेंटर लेगा। इसका मतलब कि आपको बहुत ज्यादा दूरी ट्रेवल करनी शायद न पड़े और सेम जगह जिस सिटी से कोई बिलोंग करता है वहां पे एग्जामिनेशन हो जाए। लेकिन एक क्वेश्चन आप बोलेंगे ऐसे तो सेटिंग होने की संभावना बढ़ सकती है, शायद SSC इस पे भी सतर्क होगा जरूर। क्या इस तरह की चीजों को अगर जहां पे कि मैनिपुलेशन ना हो वो कैसे रोकी जाए, वरना जो ये सारा पैटर्न SSC बदलना चाह रहा है वो सारा सिर्फ इसी वजह से चाह रहा है कि वो नकल रोके, फ्रॉड प्रैक्टिसेस ना हो। SSC जिस चीज के लिए बदनाम था कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बैकडोर एंट्री से आते हैं, एग्जाम में धांधली होती है, उन सारी चीजों को रोकने के लिए शायद SSC ने ये उठाया है। और उसको इसका मैनेज कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्या उसी शहर में होगा या फिर, क्योंकि देखो बैंकिंग एग्जाम और SSC में फर्क होता है। SSC CGL एक हाईली रेपुटेड जॉब होती है और बैंकिंग में लोग चेंज करते रहते हैं जॉब, तो इन दोनों एग्जाम में लेवल में बहुत ज्यादा फर्क है। इसका मतलब लोग पूरी जान लगा सकते हैं एग्जाम को मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे कि पहले भी हो रहा था। तो इसके लिए भी SSC को बहुत केयरफुल होने की जरूरत होगी। अकॉर्डिंगली द रिवाइज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज डिटेल बिलो। अब जो नया एग्जाम पैटर्न होगा, एक तो क्या है कि मॉडल एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड साफ साफ है, जैसे अभी हमने बात की थी जनरल। अब पहले 50 क्वेश्चन थे इसके, अब 25 क्वेश्चन है, पहले 50 थे अब ये 25 क्वेश्चन, 50 थे 25 क्वेश्चन, 50 थे 25, इसका मतलब 50 की बजाय अब ये 25-25 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट में हो गए। नंबर वन, नंबर टू, नंबर सेम रहने हैं। इसका मतलब कि वही पैटर्न होगा 200 मार्क्स का, सिर्फ क्वेश्चन में फर्क हुआ है, क्वेश्चन कम हुआ है, टाइम कम, हल्का सा टाइम में मैनिपुलेशन हुई है कि पहले 120 में 200 क्वेश्चन करने थे, अब वो 60 की बजाय 100 क्वेश्चन नहीं करने, 60 में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं वो 75 मिनट में। मतलब कि टाइम है वो इसमें SSC को लगता है कि इसमें ज्यादा लग रहा होगा। तो शायद मोटे तौर पर आप बोल सकते हैं कि पहली बार ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, स्टूडेंट शायद यूज टर्न ना हो, इम्पैक्ट है ओवरऑल मेरिट पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा टाइम बढ़ाने का 15 मिनट का टाइम है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और इसमें जब मॉक टेस्ट स्टूडेंट देंगे तो पता चलेगा कि किस ढंग से ट्रेंड चल रहा है। 75 मिनट वाला जो टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें किस ढंग से पैटर्न पे चल रहा है और कितनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पे कट ऑफ है जहां तक मैं समझता हूं उसी पैटर्न पे जाने की संभावना होगी जो पहले चल रही थी। कंप्यूटर बेस्ड अब यह टायर टू होगा, लेकिन टायर टू में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ फर्क यह है कि ओमार की जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब कि मैथ और इंग्लिश दो टेस्ट होंगे, मैथ और इंग्लिश, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, मैथ के 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, 400 का ये टेस्ट होगा। बस फर्क ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। दूसरे शब्दों में जो पिनेकल SSC CGL कोचिंग सेंटर जो कर रहा है, जो अभी नई सीरीज स्टार्ट की हुई है टायर टू की, वो सेम पैटर्न SSC उसको फॉलो कर रही है या SSC का हमने फॉलो किया है। देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5। हम टायर वन की बात कर रहे हैं कि टायर वन में अब देखो 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे कि इस मैथ में होती है। बाकी सारी चीजें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम विल रिमेन अनचेंज, बाकी सारी सिस्टम सेम होगा। इन एडिशन टू द अबो, कमीशन हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ए डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब टायर वन भी होगा और टायर टू भी होगा, इसके अलावा टायर वन और टायर टू के अलावा जैसे कि नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था कि SSC मे कंडक्ट, तो ये मे कंडक्ट की बजाय विल कंडक्ट हो गया, मे की जगह
बिल हो गया, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और वो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। मतलब ये इंग्लिश का पेपर नहीं है, ये पेपर ये देखने के लिए कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। एलिमिनेशन होगा, लेकिन इसके मार्क्स जरूर काउंट होंगे। आगे देखेंगे मार्क्स क्या, इसके बारे में क्या बोल रहा है SSC। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू चूज एनी वन मीडियम, डिटेल्स मे बी रीड एज। तो पेन एंड पेपर मोड होगा, मतलब पेन से लिखने वाला है डिस्क्रिप्टिव, जैसे स्कूल में लिखते थे या IS पैटर्न में मेंस की में लिखते हैं वैसे। और क्या खास बात हुई है इसमें, कुछ सारी चीजें नहीं आएगी, जैसे कि आमतौर पर स्टूडेंट सोचते हैं मैथ इंग्लिश रीजनिंग जी की सारी चीजें आएंगी, ऐसा नहीं है। आपको जीके इतने भी डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है, ये एक किस्म से लैंग्वेज टेस्ट आप मान सकते हैं। ये इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश से रिलेटेड आपको ऐसे राइटिंग हो सकता है, प्रेसी राइटिंग हो सकता है, लेटर राइटिंग हो सकता है, इस पैटर्न पे ज्यादा होगा, इस पैटर्न पे ज्यादा होगा। और ऐसे ही अगर हिंदी में आप चूज करते हैं तो हिंदी में आप ऐसे कैसे लिखेंगे, हिंदी में लेटर राइटिंग कैसे करेंगे, हिंदी में पैसी राइटिंग कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हैं। तो आप कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की बात मत कीजिए, टायर 3 में या इसके आखिरी राउंड में ये आपको इस पैटर्न पे एग्जाम, इससे कि ये पता चले कि कोई बंदा गलत काम करके बीच में नहीं आया है। टोटल मार्क्स इसके 100 होंगे और ये 60 मिनट का टेस्ट होगा, तो इसका मतलब ये इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होगी। ये एक डिसिसिव भी हो सकता है, डिसाइसिव भी हो सकता है। और इसके अलावा जैसे कई जहां पे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट में टाइपिंग चाहिए या फिर CSS में CPT चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो एज इट इज होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो क्वालिफाइंग नेचर होती है हमेशा उनकी, उनकी क्वालिफाइंग नेचर होती है, जैसे कि पहले वाले नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और क्या बोलता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कमीशन का ये बोलना है कि फाइनल मेरिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस, जैसे टायर 1 में आपने स्कोर कितना किया। इसका मतलब टायर 1 है इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 75 मिनट में अगर आपने 140 प्लस स्कोर कर दिया तो आपकी जो पोजिशन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और जो बच्चे इस नए सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लेंगे उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हो सकता है वो क्लासरूम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, बहुत दे रहे थे, लेकिन कंप्यूटर पे इतने ज्यादा कंफर्टेबल थे ही नहीं, कभी कंप्यूटर बेस्ड उन्होंने ज्यादा कंप्यूटर पे 5-7 घंटे लगाने की कोशिश नहीं की, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए जो स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं या कंप्यूटर पे दिन में 7-8 घंटे लगा रहे हैं, उनके लिए 75 मिनट्स को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना एक अच्छी बात होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग या जो जैसे पिनेकल को ज्वाइन किया हुआ है या वो ज्यादातर कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं और वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसमें मिलने वाला है। और मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन SSC में सिलेक्शन हो जाता है, तो शायद अब उनके लिए एक चैलेंज उन स्टूडेंट के लिए होगा। आप पूछेंगे क्या इससे मेरिट कम ज्यादा फर्क पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत सारे जो इंजीनियर है या वो लोग जो आजकल कंप्यूटर पर ज्यादा बैठ रहे हैं वो लोग इसमें एंट्री कर देंगे जो शायद वो इतना अच्छा स्कोर पहले नहीं कर पा रहे थे, तो ओवरऑल मेरिट है वो कॉन्स्टेंट रहने की संभावना होगी, उस पर शायद ज्यादा फर्क न पड़े। तो एनीवे हाउ आर द कैंडिडेट विल नीड टू क्वालिफाई ऑल द टायर्स। अब ये एक बात भी है, ऐसा नहीं है कि टायर 1 में आपने टायर 2 में सारे लोग चले जाएंगे। पहले होता था ना, पहले क्या होता था कि टायर 1 की कट ऑफ होती थी और वो 100 के आसपास 96-97 ऐसे इस रूप में जाती थी, 102 ऐसे जाती थी। अब भी वो कट ऑफ होगी, 200 मार्क्स में उसने कितने लिए, फिर टायर 2 में कट ऑफ होगी, फिर वो टायर 3 में पहुंचेगा। इसका मतलब टायर 3 में SSC को बहुत कम पेपर है वो जांचने पड़ेंगे, वरना सब्जेक्टिव को टेस्ट करना एक आसान काम नहीं होता। तो तीनों पेपर के नंबर काउंट, तीनों पेपर के अपने अपने क्वालिफाइंग मिनिमम होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 2 क्वालिफाई किया और अच्छा स्कोर किया, तीसरे में क्वालिफाई भी नहीं हुए, लिखना भी नहीं आया आपको, और वैसे आपने इंग्लिश बहुत अच्छी थी लेकिन लिखने की आदत नहीं थी, तो इस बात की संभावना हो सकती है कि आप बाहर हो सकते हैं। तीनों में अच्छा होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल ऑल्सो बी कंडक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द नोटिफिकेशन, नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। ये आज नोटिफिकेशन आया है, मतलब 1 जुलाई को नोटिफिकेशन है और लगभग 2 महीने के आसपास का टाइम है, रीजनेबल टाइम है। अगर कोई स्टूडेंट फ्रेशर भी है तो भी इसमें तैयारी कर सकता है, वो अपनी स्ट्रेटजी उसकी शार्प होनी चाहिए और कंप्यूटर पर बैठने की उसको आदत होनी चाहिए। तो ओवरऑल पॉजिटिव ले सकते हैं इसको आप, हमेशा
किसी भी न्यू डेवलपमेंट को पॉजिटिव लेने की कोशिश कीजिए, और मुझे लगता है सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि अनसर्टेनिटी खत्म हुई है, अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था कि पेपर कब होगा कैसे होगा, और जो ये अफवाहों का बाजार होता है, कुछ एक वेबसाइट होती है गोसिप जिसको बोलते हैं, फेसबुक वाले होते हैं, ये अपने अपने तरफ से छोड़ रहे थे ये क्वालिफाइंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सारी अफवाहों पे अब रोक लगी, और कोचिंग सेंटर है वो अपने आप को उनको फोकस करना चाहिए, और स्टूडेंट को भी फोकस करना चाहिए एग्जाम के ऊपर, बाकी सब इधर उधर की अफवाहें छोड़ दें। कुछ सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए, या मोटे तौर पे वो अपने माइंडसेट को रखें कि 27th को एग्जाम, उनको डे वाइज अपनी प्लान फिक्स कर लेने चाहिए कि पर डे वो क्या करेंगे, 8 से 10 घंटे अगर पर डे वो लगाते हैं, या 10-12 अगर किसी के पास ज्यादा टाइम है, कुछ एक वर्किंग है जिनके पास कि 6-7 घंटे भी होंगे, अपने आप को वो पोजिशन करे कि अगले 2 घंटे वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं, और रिफ्रेश करे सारे सिलेबस को इमीडिएटली अगले 15-20 दिन में, अगर जिन्होंने पहले कर रखा है सिलेबस, अगर जिन्होंने नहीं किया वो इमीडिएटली अगले 2 महीने में सिलेबस भी करें और टेस्ट भी कंप्लीट करें, मॉक टेस्ट भी दें। रिफ्रेश व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, कंप्लीट सिलेबस फास्ट, मेक योर प्लानिंग हाउ टू स्कोर मैक्सिमम 75 मिनट्स। अब आपके सामने ये स्कोर नहीं है कि आपको कितना नॉलेज है, ये भी है कि 75 मिनट में मैक्सिमम स्कोर आप क्या करेंगे, ये दोनों बातों में फर्क है। आपका ज्ञान कितना है ये आपका धरा का धरा रहेगा अगर आपने 75 में ठीक से स्कोर नहीं किया तो इसके लिए आपको जबरदस्त प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। हो सकता है प्रैक्टिस आपको ऑफलाइन ही आप ओमआर पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर पैटर्न पे और सॉफ्टवेयर पे कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। टेक सीबीटी अकॉर्डिंग टू, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना होगी, आपका माइंड सेट उसके अनुसार बन जाएगा और पता चल जाएगा कि मेरा स्कोर कहां पे टिक रहा है। जैसे कि 200 मार्क्स में अगर 140 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छी पोजीशन में आप इस वक्त हैं। लर्न ट्रिक्स टू सॉल्व, स्किप और ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। आपको हो सकता है क्वेश्चन छोड़ने ये आर्ट है, क्योंकि अभी उसमें क्या हो रहा था कि आप देख सकते थे पेज पलटकर कि ये कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है कौन सा नहीं आता, इसमें थोड़ी संभावना कम होगी। अलग बात है एसएससी ने इसके लिए 15 मिनट्स आपको टाइम ज्यादा दे दिया, लेकिन अब पैटर्न में अपने आप को एडजस्ट करना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है अब आप सोचें 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन से 25 पहले मैथ कर देता हूं 25 मिनट में, और बाकी बचेगा जो टाइम 40, हम इस पे एक अलग से प्रेजेंटेशन बनाएंगे कि अपने टाइम को अब इस नए पैटर्न में पर सब्जेक्ट आप अपने टाइम को एलोकेट कैसे करें, ये वो एक अलग प्रेजेंटेशन का हिस्सा होगा। अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन और स्टूडेंट का एक्शन प्लान और पिनेकल क्या कर रही है, क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रही, कौन से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसी के ऊपर ही ये प्रेजेंटेशन है, लेकिन टाइम एलोकेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न वो एक नई उसके लिए अलग प्रेजेंटेशन होगी। उसमें ये जो आखिरी वाले पॉइंट है उस पर ज्यादा डिस्कशन होगी, एक्शन प्लान बाय द पिनेकल। अब हमारा कोचिंग सेंटर या हम क्या कर रहे हैं या मैं क्या कर रहा हूं इसमें, तो ऑब्वियसली जब कोई नई डेवलपमेंट होती है तो कोचिंग सेंटर का रोल आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या बोल सकते हैं कि अपने स्टूडेंट को और जो बाकी लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए एक्शन कोचिंग सेंटर तब लेगा तभी स्टूडेंट एक्टिव होंगे। लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, ये एक रिक्वायरमेंट है अभी और इस पे हमने इमीडिएटली एक्शन ले लिया है, विद इन 1 आवर जैसे ये रिजल्ट आया, ये नोटिफिकेशन आया, विद इन आवर हमने फटाफट है वो डिसीजन ले लिए। तो आप देखेंगे आगे अगले स्लाइड पे कि कौन कौन से क्या डिसीजन हुए हैं। वो डे वाइज प्लानिंग फॉर इट्स स्टूडेंट, एक तो हम इसके लिए जॉब अश्योर प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मतलब डे वाइज प्रोग्राम होगा कोचिंग का, और इसमें अग्रेसिवली स्टूडेंट को पुश किया जाएगा जिससे कि वो इधर उधर भटके नहीं, उसके पास अगर बाकी चीजों आलतू फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं बचता है तो ऑब्वियसली पढ़ाई पे टाइम लगाएगा वो, तो हम वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि वो फोकस रहे। मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस अंडर न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी, अब ये इंपॉर्टेंट होगा कि स्टूडेंट को जैसे मैंने बताया ध्यान हटने से रोका जाए उसका, और मोटिवेट रहे स्टूडेंट और वो फोकस रहे, ये ज्यादा जरूरी होगा कोचिंग सेंटर का प्लान एक्शन प्लान में। टू मेक स्टूडेंट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाय प्रैक्टिसाइजिंग अलोट, उनमें नेगेटिविटी ना आए या एक रेजिस्टेंस ना आए नए सिस्टम के प्रति, और वो इसमें यूज टू हो जाए बहुत जल्दी और परफॉर्मेंस दे, इसके लिए प्रैक्टिस करना अनिवार्य होगा, ये पिनेकल इस पर वर्क कर रहा है।
लॉन्चिंग डे वाइज प्रोग्राम जैसे मैंने बताया, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए इन बातों को कि कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करें और वो जॉब अश्योर प्रोग्राम है 2 महीने का, मतलब 1.5-2 महीने का, ये हमने लॉन्च किया है। पिनेकल इन एक्शन, तो इसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, 50 टेस्ट होंगे, लगभग 50 दिन के आसपास बचे हैं आप बोल सकते हैं, और ये मंडे से स्टार्ट, पहला टेस्ट मंडे को होगा। टायर वन की 50 टेस्ट बनाकर बनाए जाएंगे और उसकी 500 प्राइस, राइट साइड प्राइस दी हुई है, और वो पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल भी होगी और साथ में ये सीबीटी भी होगा। पीडीएफ फाइल इसलिए दी जा रही है ताकि वो अपने आप को देख सके कौन से क्वेश्चन ठीक थे, कौन से गलत थे या बाकी चीजें, इससे आपको बेटर उसका एनालिसिस के लिए बेटर रहती है पीडीएफ फाइल। और क्योंकि अब टेस्ट तो उसी पे देना है कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आपको यूज करना पड़ेगा, तो ये चीजें 50 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट मतलब जो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे वो वाले। दूसरा प्रोडक्ट है, ये तो पहला प्रोडक्ट था, दूसरा प्रोडक्ट है कि ऐसा ये होगा इसमें कि टेस्ट भी होगा लेकिन साथ में वीडियो एक्सप्लेनेशन भी होगी, हर क्वेश्चन की 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन की वीडियो एक्सप्लेनेशन होगी, और उसमें स्टूडेंट क्या प्लानिंग कर सकता था, कितना स्कोर करना चाहिए था, क्या ट्रिक्स हो सकती थी, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए था, तो वो सारी प्लानिंग है इसके अंतर्गत होगी। अगर कोई इससे स्टूडेंट को अपने आप को परफॉर्मेंस सुधार करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि एक्सपर्ट जब उसको बताएंगे कि क्या है मामला, वीडियो एक्सप्लेनेशन के जरिए मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके का एक्सप्लेनेशन होगा, तो ऑब्वियसली स्कोर पे फर्क पड़ेगा, और एक नंबर ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो अगर इससे 5-7 नंबर का डिफरेंस हो जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो 50 टेस्ट इसके होंगे, तो वो ये विदाउट एक्सप्लेनेशन वाला मॉड्यूल है, ये विद एक्सप्लेनेशन वाला मॉड्यूल है जिसकी कॉस्ट 1500 है, मतलब कि 330 रुपीज की ऑन एन एवरेज पड़ रही है। इससे कम टेस्ट फिलहाल कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है इतना 1 घंटे का टेस्ट है या 75 का टेस्ट है, इतने टेस्ट तो इतने टाइम में होने ही चाहिए, वरना सिलेक्शन से काफी मामला दूर हो जाएगा। सिर्फ बाकी प्रैक्टिस कम करे लेकिन इस मोड में प्रैक्टिस जरूर करे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर है जो स्टूडेंट टायर टू थोड़ा प्लान बना रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि टायर वन और टायर टू के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, और ये डिफरेंस क्यों नहीं होगा, अब आगे जो एक स्लाइड आएगी उसमें मैं आपको SSC के चेयरमैन का मैसेज दिखाऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि टायर टू भी इमीडिएटली हो सकता है इसके 1 या 2 महीने के अंतर्गत ही हो जाए, तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करेंगे तो ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके लिए टायर वन और टायर टू की टेस्ट सीरीज को कंबाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं, ज्यादा फायदा हो सकता है। 50 टायर वन टेस्ट और 80 जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, 40 मैथ 40 इंग्लिश, जिसकी अलग से 3000 रुपीज कॉस्ट है जैसे कि इसमें दी हुई है, और अगर इसके साथ कंबाइन करते हैं तो ऑब्वियसली कंबाइन प्रोडक्ट की कॉस्ट है 3700 हो जाती है। उसके बाद यह है ऑनलाइन कोचिंग बैच जॉब अश्योर डे वाइज प्रोग्राम, और ये जो ऑनलाइन कोचिंग बैच ज्वाइन किया हुआ है उन स्टूडेंट के लिए तो एक ये प्रोडक्ट है, और बाकियों के लिए ये कोचिंग भी है और साथ में ये एक प्रोडक्ट भी है, जिसमें कि डे वाइज प्रोग्राम, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फाइल्स, प्रैक्टिस टेस्ट, और ये सारे इंक्लूड है, टेस्ट वगैरह सारी चीजें इंक्लूड है। आप बोलेंगे कि ये भी इंक्लूड है, यस सारी चीजें इंक्लूड है ऑनलाइन कोचिंग बैच, हमने बस इसको मॉडिफाइड करके इसका नाम दे दिया ताकि डे वाइज प्लानिंग, वो टायर टू टायर वन सब इंक्लूड है, लेकिन इसमें सिर्फ अटैचमेंट है ये किस चीज की, डे वाइज प्लान की, ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट है और वो भी इसको फॉलो करना चाहे तो वो भी इस दौरान सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है, और पुराने भी अगर सिलेबस को दोबारा कंप्लीट करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आएगा और 8 से 10 घंटे का जो टाइम है उसको सही ढंग से सदुपयोग करने में मदद मिलेगी। तो उसकी कॉस्ट जो वही हमारी ऑनलाइन कोचिंग बैच की कॉस्ट फिलहाल चल रही है वो 6000, और कोई हार्ड ड्राइव कोर्स लेना चाहता है, इंटरनेट में इश्यू है, वीडियो देखने में दिक्कत है, तो वो 8400 ये उसकी कॉस्ट है, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। और हार्ड ड्राइव कोर्स का स्टूडेंट है हमेशा ऑनलाइन कोचिंग बैच का स्टूडेंट होता है, और इसमें हम लोग 80 प्रोडक्ट कवर करते हैं, ये हमारी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कौन कौन से वो प्रोडक्ट होते हैं, www.ssccglpinnacle.com। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो सिर्फ ये फॉर्म बताई गई, अगर आप
कई बार क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म है लेकिन इसको एक्सपेंड किया सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब देखते हैं कि एक चेयरमैन का जो मैसेज है वो क्या बोलना चाह रहा है, और उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है आज, और उनका ये बोलना है, और इससे आपको कुछ हिंट मिलेंगे कि कमीशन की पॉलिसी आने वाले टाइम में क्या हो रही है या कमीशन किस दिशा में काम कर रहा है। मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह से आपको पढ़ना चाहिए, और इससे आपको अफवाहों से दूर रहने में और एक बैलेंस सोच क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आजकल अफवाहें तो हर चीज पे चल रही है। कमीशन हैज डिक्लेयर्ड द फाइनल रिजल्ट ऑफ सीजीएलई विच इज नाउ अवेलेबल ऑन द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेबसाइट, और उस पर हमने प्रेजेंटेशन भी बनाई है, उसका एनालिसिस भी किया है कि किस तरह से मेरिट जा रही है, अगले साल क्या हो सकता है, और किस तरह की जॉब में ज्यादा कट ऑफ गई है। ये सारे एनालिसिस हमने किया है, दो प्रेजेंटेशन है इस पे, इंटरव्यू पोस्ट के लिए और नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए। उम्मीद करता हूँ वो प्रेजेंटेशन आप जरूर देखिए, बहुत सारी चीजें उसमें आपको सीखने की समझने भी मिलेगी और आप गॉसिप से थोड़ा दूर रहेंगे। अर्लिया क्योंकि डाटाबेस अगर आप कोई चीज करते हैं जहां पे आपको फैक्ट नजर आ रहा है सामने, तो आप दूसरों के चक्रों में नहीं पड़ोगे। अर्लिया द कमीशन हैड इंडिकेटेड ए टेंटेटिव डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द सीजीएलई 2015 एज 30th मई, लेकिन 2015 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शायद जो चीटिंग विटिंग और बहुत सारे जो केसेस थे उसको निपटारा करना एसएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, वरना हो सकता है मेरिट और भी ज्यादा ऊपर जाती। हाउएवर द कमीशन वाइल प्रोसेसिंग द रिजल्ट हैड टू एड्रेस सर्टेन इंपॉर्टेंट इश्यूज विच वॉज डन विद इन ड्यू डिलीजेंस थ्रू द प्रोसेस विच वर टाइम कंज्यूमिंग। इट वॉज फॉर दिस रीजन दैट The result could not be declared on 29th. ये डिक्लेयर हुआ है 29th को रिजल्ट डिक्लेयर, उसकी बात हो रही है। एसएससी को कुछ एड्रेस करने थे इसलिए रिजल्ट में देरी हुई। और इट मे बी रेलिवेंट टू मेंशन दैट द कमीशन हैज वर्क एसिडियसली टू कंप्रेस द टाइम शेड्यूल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सीजीएलई 2015. It may be worth mentioning that during the last 3 years, there has been a progressive decline in the period taken for declaration of the CGL result. The result of CGL 2013 was declared in 26th month, लगभग 2 साल में approximately. इसका मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि SSC सुधर रहा है और काफी सुधर भी गए, जैसे कि 2014 में सिर्फ 1 साल में रिजल्ट या 1.5 साल में रिजल्ट दे दिया, ये अचीवमेंट मान रहे हैं। एनी वे CGL 2015 उसका रिजल्ट है, उनका बोलना 13 मंथ में आ गया है। कमीशन इज, आप बोल सकते 1 साल में रिजल्ट आया है। कमीशन इज कमिटेड टू फर्दर कंप्रेस टाइम शेड्यूल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द सीजीएलई रिजल्ट एंड वुड वर्क रिलेंटलेसली टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। इट मे बी पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2016 कमीशन प्रपोजेज टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ 2 एग्जामिनेशन SI जिसको आप CPO वगैरह बोलते हैं, उसका रिजल्ट पेपर 1 का टेंटेटिवली होगा 15 जुलाई के आसपास, और जो हायर सेकेंडरी का जो अटका हुआ रिजल्ट है वो 2015 वाला, वो होगा इस महीने के जुलाई के आखिर में। तो इसका मतलब जो चेयरमैन है असीम खुराना, उनके आने के बाद उनका यह मानना है कि हम एक्शन फास्ट ले रहे हैं, और जो धांधलियां हो रही थी, पेपर लीक आउट हो रहे थे, उस पर अंकुश लगाने के लिए SSC कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जब अगर ये ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं तो हो सकता है विद इन 1 मंथ, जैसे कि CPO के केस में भी 1 मंथ नहीं तो जल्दी रिजल्ट जरूर बोलूंगा, वह 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट दे रहे हैं। और इसका मतलब यह भी होगा कि टायर 2 है वो अपने टाइम पे ही हो जाएगा टायर 2 का एग्जाम, तो टायर 1 और टायर 2 के बीच में आप ज्यादा गैप समझने की गलती न करें, और इमीडिएटली आप टायर 1 और टायर 2 की कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग पे ही ध्यान दें, उसी में ही भलाई है। क्योंकि इस नए पैटर्न में जो पिछड़ जाएंगे नए सिस्टम में अपने आप को अडॉप्ट करने के, उनको भारी नुकसान होगा, और जो इसको अडॉप्ट करेंगे तो उसको फायदा होगा। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।